वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब बर्ज। मैं हाँ थोड़ी होस्ट नीलम कौर, तो मैं टीवी जी फोर के सारे दर्शकों से स्रोतियां जी आया कहती हाँ प्रोग्राम सचो सच विच जड़े इस प्रोग्राम नाल देशों विदेशों तो जुड़ चुके हैं। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी रोजाना ही तरह स्टूडियो में मेरे नाल शामिल ने, उन्होंने गलबात करके अज के अहम इशूज उपर उन्हों तो उन्होंने तजिया जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाने सुनखे टीवी 84 दे दर्शकों नू भी वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ते साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी राज साहब जी, आया नू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया। जी राज साहब, अज 2 अक्टूबर 2020 1800 नानकशाही संबत 552 दा दिन है। ते राज साहब, प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असीं हमेशा तरह अपने दर्शकां ते स्रोतियां नू दस्सदे व्यूअर्स आ, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक इक चैनल टीवी 84 नू देखना चाहुंदे हो तां तुसीं देख सकदे हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बैल 5 केबल इन कैनेडा, रोकू, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, टीवी 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स ते तुसीं टीवी 84 नूं देख सकते हो व्यूअर्स आ। जे तुसीं टीवी 84 नाल जां प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तां इस नूं वध-वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। यह भी दस दिए कि तुसीं टीवी 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है उस नूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो व्यूअर्स। हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं। सो प्रोग्राम के शुरू दे विच आपां तुहानूं हैप्पी वीकेंड कहिंदे आ और आस करदे आ कि तुहाडा वीकेंड बहुत ही वधिया चावां नाल खुशियां नाल जो है वह गुजरे। सो व्यूअर्स, जिस तरह असीं सब जानते हैं कि जिहड़ा करोना का जिहड़ा कह रहे हो सारी दुनिया ते उसी तरह ही मंडरा रहा, इस दे नाल लखां लोक मर चुके ने, मारे भी जा रहे ने और प्रभावित भी हो रहे ने। सो हुण खबरां आ रही ने कि अमरीकी प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रंप अते फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप दे करोना होण दीआं जिहड़ियां खबरां ने, पॉजिटिव होण दीआं जिहड़ियां खबरां ने, उह सारे पासे छाईआं होईआं ने और अमरीका विच ही नहीं सगों दुनिया भर विच इस खबर नूं लै के जिहड़ी है हलचल मची हुई है। और एक पासे जिथे ट्रंप समर्थकां वल्लों चिंता दा इजहार किया जा रहा, उत्थे कुछ हल्कियां वल्लों ट्रंप की जिहड़ी लापरवाही नूं इस लई जिम्मेवार जिहड़ा है उह ठहराया जा रहा। सो अमरीकन प्रधानगी की जिहड़ी चोण संबंधी भी ट्रंप की जिहड़ी सेहत नाल बहुत कुछ जिहड़ा जुड़िया हुआ है। सो इस बारे आपां वेरवे नाल डॉक्टर साहब कोलों विचार जानना शुरू कर लगे हाँ। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना, देखण सुणने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, कल जदों साडा प्रोग्राम क्लोजिंग वल जा रहा सी ते ऑलरेडी मेरे आईपैड ते एक न्यूज़ फ्लैश कर रही सी कि प्रेजिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। पर साड़ी कोशिश ये होंदी है कि जदों तक असी 3 इंडिपेंडेंट सोर्सिस तो किसी खबर नूं कन्फर्म ना करिए असी उन्हों डिस्कस नहीं करते। लेकिन जाहिर है कि शाम तक जिहड़ा लेट आवर से गल कन्फर्म हो चुकी सी और हुण जदों असी ये गल कर रहे हैं, क्योंकि पहला तो यही सी कि उन्होंने सिमटम्स नहीं ने, हालां उस तो पहला इस खबर के नाल जिहड़ा है वह ऑलरेडी पिछले 12-14 घंटे तो ट्रेंड चल रही सी, चल रहा सी कि प्रेजिडेंट ट्रंप की खास एडवाइजर जिहड़ी 31 साल बीबी उन्हां दी डॉटर इवानका की सहेली भी है, खुद वो मॉडल भी रही है और उहदे लई स्पैशल पोस्ट क्रिएट की गई है एज ए एडवाइजर काउंसलर, हालांकि उहदी कोई पोलिटिकल ट्रेनिंग नहीं सी, होप हिक्स के वो, और जदों के ओहायो क्लीवलैंड दे विच डिबेट हुई है उदों भी होप हिक्स और मेलानिया ट्रंप नाल नाल बैठे देखे गए सी, जिहदे 100 होर टिकटेड लोग सी और उन्होंने मास्क भी नहीं सी पाई हुई हैं। पर एक खबर सी कि होप हिक्स जी है वो करोना पॉजिटिव ही नहीं पाई गई, सगों जो वापसी तो क्लीवलैंड तो उन्होंने स्पैशल जोड़ा हैलीकाप्टर फ्लाई किया है तो उसकी हालत ठीक नहीं सी, उदो ही क्वारंटाइन च या सैपरेट उन्होंने रखा गया। लेकिन ये बावजूद प्रेजिडेंट ट्रंप उन्होंने उस तो अगले दिन वापस आ के न्यू जर्सी दे विच एक फंड रेजिंग अटेंड किया जिथे उन्हों का हज़ारा होर लोगों के नाल एक्सपोजर भी होया और ऑलरेडी जिहड़ा इस पीरियड 7 स्टेटां च प्रेजिडेंट ट्रंप ने विजिट किया। बेशक सिमटम्स हुण पॉजिटिव ने, पर क्योंकि ये जिहड़ा कोविड-19 नू लैके बहुत सारे ट्रेड सामने आए ने
कि जदों ईवन जिन्हों ये है उदे सिम्टम्स जार भी नहीं होंगे तो ऑलरेडी वो स्प्रैडर होंगे उन्होंने स्प्रैड कर रहा होंगे। इसलिए एडवाइस किया जा रहा है कि जिन्हें लोगों इन्ह सत्त स्टेटा च पिछले पीरियड के प्रेजिडेंट ट्रंप जड़े ने क्लोज होए ने नेड़े आए ने उन्होंने सारियां नूं क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है। और हुण जदों कि असी ये गलबात कर रहे हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप जदों कि कल तक ये सी कि उन्हों का कोई सिमटम नहीं है इस बीमारी का, हुण अज दियां खबरां ने कि उन्होंने हल्का जिहा टैंपरेचर है और बेशक उन्होंने अज काम किया है, थकावट महसूस हो रही है और ऑलरेडी उन्होंने जिहड़ा वॉल्टर रीड नैशनल मिलिट्री मैडिकल सेंटर जिहड़ा कि वड्डा हॉस्पिटल है खास तौर पर उहदे च उन्होंने लिजाया गया और उन्होंने हैलीकॉप्टर मैरिन वन जिहड़ा कुछ देर पहला तक वाइट हाउस के बाहर जिहड़ा वेट कर रहा है सो ऑलरेडी वो हॉस्पिटलाइज ने। कोई जरूरी नहीं है कि कोई सीरियस सिम्पटम्स ने, लेकिन जो माइल्ड सिम्पटम्स भी अपीयर होंगे ने तो उस तो जाहिर है कि ऑलरेडी कला एक कोविड 19 पॉजिटिव की गल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी केसिस जड़ा वो बाद दे विच किसी होर गल लई जदों एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि भाई तुहानू तां हो के हटिया, बहुतियां नूं ईवन पता भी नहीं लगता, लेकिन इहदे च क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी थकावट भी और टैंपरेचर भी रन हो रहा और जे उन्हां दी मैडिकल टीम ने ये ठीक समझिया कि उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए इहदा मतलब है कि जिहड़ा उन्हां दे सिम्पटम्स ने वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस सारे पीरियड च जिथे दुनिया भर दे विच फिक्र दा इजहार भी है अमरीका च खास तौर पर कि ये किवें प्रभावित करेगा अमरीकन चोण प्रोसैस नूं हुणे ही, क्योंकि अजे उन्होंने अपना चार्ज वाइस प्रेजिडेंट नूं नहीं दिता है, पर हो सकता है जिवें इहदे कोविड 19 दे सिम्पटम्स ग्रेजुअली वर्स टू वर्स्ट होंदे ने वो अपना चार्ज जिहड़ा है वो वाइस प्रेजिडेंट माइक पेंस नूं, जिन्हां दोनों का माइक पेंस और उन्होंने जिहड़ी है सैकेंड लेडी वाइस प्रेजिडेंट की वो नूं भी टेस्ट किया नैगेटिव ने, फिर चार्ज उन्हां कोल चला जांदा है। और जे इन केस दोनों ही साइमल्टेनियसली इनकैपेबल होण फिर हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिवस नूं जिहड़ा ये उन्हां दी स्पीकर है जिवें नैन्सी पेलोसी है फिर थर्ड उहदे कोल हुंदा है, ते जे तिन्नों ही होण फिर सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस कोल जांदा है। सो ये इस गल ने काफ़ी कुछ जिहड़े ने काफ़ी चीज़ां खड़ियां कीतियां और दुनिया दे विच इस नूं लै के प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े जदों तो फरवरी दे विच जदों के इस दी शुरुआत हो रही सी उदों तो लै के बिल्कुल बेपरवाह रहे ने, उन्होंने उस दौर जदों ऑलरेडी चाइना तो इसका वुहान तो शुरुआत हो चुकी सी भारत का दौरा भी किया अहमदाबाद खास तौर पर गए और बाद च असी देखते हैं कि भारत च भी जिथे ज़्यादा केस आए जिन्हों थावां ते उन्हां च अहमदाबाद भी एक सी, फिर इस किस्म का भी कि उन्होंने डॉक्टर फौची जिहड़े उन्होंने इस वायरोलॉजी के और इस सारे फील्ड के स्पैशलिस्ट ने उन्होंने नाल भी टकरा लाइन कई बार रही, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देखने आया कि वो जी एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस सी उन्हों भी कट रहे होंगे सी, फिर ये भी सामने आया कि मास्क के मुद्दे के उत्ते उन्होंने अपना एंड तक यही मैसेज रखा कि भी जिवें हर एक नूं लोड़ नहीं है और इस दे उत्ते जिहड़ा ईवन बेशक जिहड़ी पहली डिबेट हुई है क्लीवलैंड ओहायो च 90 मिनट की उहदे च दोनों ने ही नहीं सी मास्क पहनी हुई, लेकिन इन्ना कु उन्हां दा सेफ डिस्टेंस सी। पर यह भी देखने आया कि प्रेजिडेंट ट्रंप की जिहड़ी पार्टी दे जां उन्हां दे फस्ट लेडी दे रिश्तेदारां चों बहुत सारे सी वो विदाउट मास्क सी, और जिवें जिस बीबी का असी जिक्र किया है होप हिक्स वो भी विदाउट मास्क सी। हुण इस सारे तो और इन बिटवीन जदों भी कोई सीरीयस गल नूं भी उन्होंने जिवें व्यंग दे विच बदलिया, जदों ब्लीच की गल उन्होंने की कि भी उन्होंने मां उन्होंने कहा जो वो क्यों नहीं इंजैक्ट किया जा सकता, हालां डिबेट दे विच जदों बाइडन ने इस दे उत्ते तंज की तो उन्होंने कहा कि भी इट वॉज़ ए सरकास्टिक कमेंट। पर एक गल जाहिर है भी शुरू तो ही जिवें मोदी ने उत्थे जे अज असी भारत दे विच वर्स्ट हालत देख रहे हैं 1 लाख तो ज़्यादा मौतां और 6 मिलियन केस क्रॉस कर गए ने, अमरीका च 2 लाख तो ज़्यादा डैथ,
एक गल दोनों सिचुएशंस दी अमरीका और भारत दी हालां दोनों ही जड़े ने आपस दोस्त भी ने, एक गल सांझी है कि उत्थे भी मोदी ने इनू प्ले डाउन किया जदों पहली बार दा सडन जड़ा वो लॉकडाउन जड़ा 21 दिनों का ऑर्डर किया मोदी ने और उहदे च उहने बड़े जड़ा उस अंदाज च जिवें कि जी बलेच इंजैक्ट कर लो, उन्हें कहा कि जी देखो महाभारत की जंग असी 18 दिनों जीती सी और ये जंग असी 21 दिनों जीतांगे। सो जाहिर है कि दोनों पास्यों कोई मैडिकल एडवाइस जां उन्हां एक्सपर्ट्स की लाइन उहदे वल कोई ध्यान देण की लाइन नहीं सी। इस तरह ना सिर्फ बीमारी दे डेंजर नूं घटा के दस्या गया, लोगों के भी एक क्योंकि एक गल का ध्यान रहे, ये इन्हों का अपना ही संस्कृत का श्लोक है कि यथा राजा तथा प्रजा, कि जो जहाँ राजा होंगे वह जी प्रजा होंगी और जोड़े हाकम होंगे ने इनफैक्ट प्रेसीडेंट सैट करते हैं, तो जे उदे ची कोई जिम्मेवारी का एहसास ना हो सो एक पक्षों बीमारी नूं घटा के दसना तो फिर रेमेडी नूं वधा के दसना कि जी इलाज जिवें मोदी दे उत्थे रामदेव ठग जिहड़ा धनवंतरी का चेला बनया हो और पतंजलि और फलाना दे थले उन्हें दावा किया जी असी कढ़ दित्ती आ साडी आरोग्य बटी आ इह सब नूं ठीक कर देगी, होर तां होर जिहड़ियां उन्हां दियां मैडिकल बेसिस ते खड़ियां इंस्टीट्यूट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट उन्हां दे जिहड़े डायरैक्टर ने उह कहण लगे जी 15 अगस्त नूं असी जिहड़ी इहदी वैक्सीन रेडी होएगी, फिर हो गया जी नहीं असी तां जिहड़ा वो रूस ने तैयार करती असी आ जाएगी इंडिया ने ऑर्डर कर दिता। हुण जदों असी साइमल्टेनियसली ना सारियां चीज़ां नूं ही देख रहे हैं और मैं इस तो पहला कि इस उत्ते डिस्कस करा कि किवें मिक्सड बैग है ट्रंप की बीमारी नूं लैके, एक पासे जाहिर है कि गैट वैल सून दे मैसेज ने कि जल्दी ठीक हो, दूसरे पासे ये भी है कि नाउ पे फॉर योर वैलर कि जिहड़ी खाम खा की बहादुरी सी इस दे उहदी ते पे करो, लेकिन मैं इस तो पहला जिहड़ी गल इस सारे नालों भी ज़्यादा वरीसम है जदों असी कुल मिला के ग्लोबली देखते हैं अमरीका की सिचुएशन तो प्रभावित करती है, उसका भी असी जिक्र करांगे कि किवें इन्हें जिहड़ी है उन्हां दी वॉल स्ट्रीट नूं प्रभावित किया है, दुनिया स्टॉक मार्केट नूं प्रभावित किया है, पर जिहड़ी वैक्सीन नूं लैके बहुत सारिया होप्स, ईवन फस्ट डिबेट दे विच भी प्रेजिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी इट्स कपल ऑफ वीक्स अवे, सो जारे दसण लई भी वह मोड़ दे उत्ते पहुँच गई है वैक्सीन तो हुण अंदर नूं होण वाली है। और अज जदों कि रिपोर्ट जिन्हों के जिहड़ा 28 एक्सपर्ट्स दुनिया के जिन्हां च अमरीका कैनेडा के वड्डे ने और ने जिन्हां दा 25 साल तो ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इस स्टडी नू कैनेडा की टॉप यूनिवर्सिटी मैगिल उदे वल्लों किया गया और हेडलाइन ये है कोविड वैक्सीन रोल आउट अनलाइकली बिफोर फॉल 2021 से एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एट मैगिल यूनिवर्सिटी इन कैनेडा कैरिड आउट ए सर्वे ऑफ 28 एक्सपर्ट्स वर्किंग इन वैक्सीनोलॉजी इन लेट जून 2020 के जेडे इस वैक्सीनोलॉजी के एक्सपर्ट ने जेडे 28 और जिन्हों का 25 साल तो ज़्यादा तजर्बा है उन्होंने आधारित स्टडी का यह कहना है कि भी ये आम लोगों लई ईवन 2021 की फॉल तुसी 6 महीने ला लो जो तक फॉल का होंगे उदे तक, और ईवन गल इत्थे भी नहीं मुकदी है कि उन्होंने ये कहा कि भी ईवन ये 2022 तक भी जा सकती है जदों तक कि सेफ इस दे उन्होंने कहा कि भी ये असी लैस ऑप्टिमिस्टिक एंड टाइमलाइन ईवन 2021 दे। और ये मिस्टर जोमैथन किमलन प्रोफेसर मैगलन यूनिवर्सिटी जिन्ह ने एक स्टेटमेंट दे ते जारी की है, उन्होंने कहा कि इन जनरल दे सीम टू बिलीव दैट ए पब्लिकली अवेलेबल वैक्सीन नैक्सट समर इज द बेस्ट केस सीनेरियो, कि ये भी बहुत बेस्ट केस सीनेरियो है जो अगली समर तक जब तो आ जाए विद द पॉसिबिलिटी दैट इट मे टेक अंटिल 2022 कि पूरा अगला साल भी जड़ा ये काम हों और 2022 दे विच ये लोगों का काए। और उन्होंने कहा भी ये ठीक है आल कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा दे बिलीव देयर मे बी सम फॉल्स स्टार्ट्स बिफोर एन इफेक्टिव वैक्सीन इज अवेलेबल, कि पहले जी ट्रायल या दूजे चो अप्रूव करके भी निकले जदों उदे ते आएगा तो फिर की होएगा, द एक्सपर्ट्स वी सर्वेड बिलीव दैट देयर इज़ 1 in 3 चांसिस
that vaccine will receive a safety warning label after approval ke bhi jade approve bhi ho gayi ode te bhi jehda safety warning hoegi ke bhi zaruri nahi hai ke ide naal tusi theek hovo ja unna ne fir eh bhi kiya ke bhi 1/3 of those surveyed believed that vaccine development is likely to face two main setbacks ke do ode ch rukawatan हो सकदियां ने द फर्स्ट वैक्सीन वाइडली डिप्लॉयड इन यूएस और कैनेडा विल रिसीव ए बॉक्स्ड वार्निंग फ्रॉम द एफडीए फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू हाईलाइट सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स रिएक्शंस द रिसर्चर्स सेड उन्होंने कहा जे अमरीका कैनेडा ने पहला भी डिवेलप कर ली एक तो गल उन्होंने कही भी अगली समर तो पहला हो ही नहीं सकती उदे ते भी ये वार्निंग होएगी कि भी इदे जड़े ने एफडीए दी वार्निंग होएगी कि सीरियस माड़े रिएक्शन भी हो सकते हैं आलसो द फर्स्ट लार्ज फील्ड ट्रायल इन द यूएस एंड कैनेडा वुड रिपोर्ट ए नल और नैगेटिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी दे सैड उन्होंने कहा यह भी हो सकता है भी अप्रूव करके निकले लेकिन जो तुसी नतीजे देखो नल निल होण के उदे चो ठीक ना हो रहा होए और ये उन्होंने कहा कि भी एक गल बड़ी क्लीयर है कि एक्सपर्ट्स आर लार्जली इन एग्रीमेंट अबाउट द टाइम लाइन फॉर ए सार्स कोविड टू वैक्सीन said Stephen Broomwell an associate professor hun tusi inna halatan ch eh main more worrisome khabar samajhda ke jis tarike naal relapse ho reha bahut sariyan thaavan te europe de vich wapas us da trend shuru hoya america aur india de vich ta ajhe pehla hi jehda ja reha upar nu aur america ch kal vi pichle 5 din to 1000 to zyada case daily aa rahe ne aur बेपरवाही लापरवाही का नतीजा है कि लोगों के भी वो समझते हैं कि भी ये काफ़ी कुछ ओवर हो गया लेकिन जिवें मैं पहला जिक्र किया कि ट्रंप विजिटेड 7 स्टेट्स इन वीक बिफोर नॉवल करोना वायरस डायग्नोसिस और उन्हें सारिया ने गवर्नर्स ने दूजिया ने जिन्हें हुण इन्हां 7 स्टेटां च लखां लोगों के नाल इंटरैक्ट किया क्योंकि ट्रंप का कैंपेन भी और वैसे भी ये वड्डियां गैदरिंग्स नूं प्रेफर करता है और खास तौर पर जो डिबेट दे विच भी वो रिडिक्यूल कर रहे थे बाइडन नूं कि भी तेरिया जड़िया गैदरिंग्स ने वो तो इनिया ही होंदिया जिन्हिया जिन्हों साडे उस खिते कहिंदे ने कि टांगे च जिन्हिया सवारियां आ जांदियां उन्हिया तो मेरे देख किन्ने ने तो मैं समझदा भी ये सारिया दे लई फिक्रमंदी वाली गल भी है और जिहड़े इस दे प्रभाव ओवरऑल इकोनमी ते की होए ने जां होणगे जदों ईवन ट्रंप दे कोविड-19 की खबर ही आई तो ये आ गया ट्रंप टेस्ट कोविड पॉजिटिव वर्ल्ड स्टॉक्स फॉल प्रेजिडेंट्स एक्सपीरियंस मे इंपैक्ट यूएस पब्लिक हेल्थ पॉलिसी चीफ इकोनॉमिस्ट और बाकी उहदे नाल रिलेटिड ने खबर कि भी ये फिर अगों लंडन सिंगापुर टोक्यो सारिया दियां मार्केट्स दे विच किवें इस सारे का प्रभाव होया है और किवें स्टॉक थले डिगे ने मैं बहुत इसे गल नहीं करांगा पर एक गल जाहिर है क्योंकि इहदे च ये नहीं है कि भी चलो असी तो प्रेजिडेंट ट्रंप की स्पीडी रिकवरी की अरदास करते हैं क्योंकि कोई भी इहदे च तां साडा मैं समझदा कि भी एक गल का ध्यान रहना चाहिए हमेशा ही कि साढ़े तो ये हमेशा कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना कि भी कोई भी किसी दुख दे विच है मुसीबत च है उस दे उत्ते कोई खुशी मनाण वाली जां गल तां दूर दी गल असीं समझदे हां कि भी इहदे बावजूद कि प्रेजिडेंट ट्रंप जां उहनां दीआं नीतियां दे नाल असीं सहमत ना हुंदे होईए लेकिन वो इस वेले दुनिया की कोई एक सुपर पावर का जो कही है कि 7.5-8 बिलियन लोगों का वो फर्स्ट सिटीजन है सब तो पावरफुल बंदा है और ये प्रभाव जे ईवन सिम्पटम्स आने दे नाल ही वर्ल्ड जिहड़ी है वो एक्सचेंज प्रभावित हुंदी है स्टॉक मार्केट्स प्रभावित हुंदी है अमरीका दे विच डिबेट शुरू हो गई कि की होएगा ये भी आ गया क्योंकि 2 हफ्ते की मिनिमम तो क्वारंटाइन है हुण तो हॉस्पिटल मूव कर दिता है सो जिहड़ी डिबेट अक्तूबर मिडल च होनी सी जिहदे च वो उहदे ते सवालिया निशान लग गया है बिल्कुल फिर जे कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है वाइस प्रेजिडेंट टेक ओवर करदा है तो प्रेजिडेंशियल इलैक्शन भी की पुशबैक हो सकती है जी 3 नवंबर नूं है डेजिग्नेटेड भी उहदे ते की होएगा फिर जिहड़ा क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा की रोल जिहदे ते जिहड़े हुण इन्हां दे एक्सपर्ट्स ने
क्योंकि बीबी गिनिसबर्ग जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बजुर्ग उम्र के विच कैंसर नाल डैथ हुई है, ट्रंप अपनी फेवरेट जिहड़ी कंजरवेटिव जार है, फेवरेट तो मतलब को होर नहीं है क्योंकि जिहड़े राइट विंगर ने वो समझते हैं कि एक जे जज उन्हां दी मर्जी दी आ जाती है जिहड़ी ऑलरेडी नॉमीनेट भी कर दिती है ट्रंप ने, तो उहदे नाल सुप्रीम कोर्ट च बैलेंस बदल जाएगा। और जिवें ट्रंप ने अपनी डिबेट च कहा है कि भी वह इनू मेल फ्रॉड बैलेट फ्रॉड और ये वो दे नाल करके, सो ये भी होएगा भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा कि चोण दी वैलिडिटी है या नहीं है। सो उन्हां दी नॉमीनेशन जां दूजी जिहड़ी है जां हीयरिंग सैनेट च होनी है वह सारी भी प्रभावित हुंदी है। फिर लोकां दे उत्ते इहदा की प्रभाव होएगा और जिवें असी देखिया कि भी ग्लोबली प्रभाव तो सामने ने कि भी एक पास एक ट्रेंड वो है जिस दे विच जिवें फ्रांस दी दे स्पोक्समैन ने कहा दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द वायरस स्पेयर्स नो वन इनकलूडिंग दोज हु हैव शोन ससेप्टिसिज्म, आई विश हिम ए स्विफ्ट रिकवरी, सैड गैब्रियल अटाल स्पोक्समैन फॉर द फ्रेंच गवर्नमेंट। ये भी तंज है, उन्होंने कहा भी ये जी खबर आई है इन्हें ये दस दता है कि ये वायरस किसी नूं माफ नहीं करती, उन्होंने भी जेडे उस दे उत्ते शक करते एक तनज है, पर उन्होंने कहा जी असी स्विफ्ट रिकवरी चाहते हैं। चाइना चाइना ने इस दे उत्ते अपना रिएक्शन दिता है, उन्होंने चीफ ऑफ चाइनाज ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, प्रेजिडेंट ट्रंप एंड द फस्ट लेडी हैव पेड द प्राइस फॉर इस गैम्बल टू प्ले डाउन द COVID-19 ट्वीटेड हु जिनजिंग एडिटर इन चीफ। उन्होंने कहा जी उन्हें तो फस्ट लेडी ने जिहड़ा COVID-19 के खतरे नूं घटा के कर रहे सी वो उहदी कीमत अदा की है। हालां ये भी हो सकता है कि इस तो बाद हेटरेड होर भी होए, और ऑलरेडी पहली डिबेट्स भी ट्रंप ने इनू चाइना प्लेग किया सी और उन्हों ही ब्लेम किया सी चाइना नूं, और मैं समझदा भी चाइना का मोर सेंसिबल रिएक्शन हो सकता है, पर ये उन्हों का ऑफिशियल नहीं है ग्लोबल टाइम्स क्योंकि ऑफिशियल ही मनी जाती है, इसलिए असं उस कैटागरी च ही देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भी द न्यूज़ शोज द सेवियरिटी ऑफ US पेंडेमिक सिचुएशन, इट विल इम्पोज ए नैगेटिव इंपैक्ट ऑन द इमेज ऑफ ट्रंप एंड द US एंड मे आलसो नैगेटिवली अफेक्ट हिज री इलैक्शन। ये अजे अंडर डिबेट है कि भी ये वोटरां नूं किवें प्रभावित करेगा, दोनों तरह हो सकता है। एक पास सिंपथी फैक्टर हुंदा है, जाहिर है जदों कोई बीमार हुंदा है जां कोई हादसा वापरदा है जिहड़े अदरवाइज बहुत क्रिटिक मोड च चल रहे ने वो सिंपथैटिक भी हो सकते हैं। पहला तो यह है भी अनसर्टनिटी है भी उन्हां दी सेहत किवें इंप्रूव हुंदी है, तो जे वो बिल्कुल नौबर नो हो जाते हैं जिहड़ा मैनूं लगता है भी जिस किस्म दा फाइटिंग स्पिरिट ट्रंप दी है, जे तुसीं उन्हां दीआं नीतियां नूं एक पासे छड्ड दिओ तो जिवें उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की नॉमीनेशन लई कल्ले तड़ कोई उन्हां दी ये नहीं है कि भी बाकी जां रिपब्लिकन पार्टी च उन्हां दी हमायत बड़ी सी, उन्हें सिंगल हैंडडली ट्रंप ने ही चैलेंज्ड ऑल जुड़ियां भी सी। और एक मैं समझदा भी अपने आप च यूनीक हिस्टरी बनाई कि वन मैन वो अपनियां कन्विक्शन दे नाल और अपने जिस भी अंदाज दे विच वाइट हाउस तक पहुँचे, फिर ये भी कोई शक नहीं कि इस 3.5-4 साल के टाइम च उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, कदे ब्रीफिंग नहीं ली फॉरन ते अनपॉपुलर पॉलिसीज ली हैं, भावें असी ना भी सहमत होइए पर एक ट्रेंड भी शो करता है। फिर ट्विटर के उत्ते प्रेजिडेंसी रन की, सो इस किस्म के लोग जड़े ने स्ट्रोंग विल्ड होंगे ने, और एक गल जिन्नी एक लोग रिकवर हुए ने जड़े इस चो निकले उन्होंने जिन्ने मैं इंटरव्यू देखे पिछले सारे सिंस फैबररी या मार्च, वो ये समझते हैं कि भी ये चलो बाकी तो जरूरी थोड़ी गिजा डाइट भी है और बाकी सैकेंडरी कोई सिमटम्स ना हो, बट बहुत वड्डी गल है थोड़ी विल कि तुसी विल दे नाल किवें लड़दे हो, और अल्टीमेट रब की रजा वो तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि जे इस विल के हवाले नाल गल करिए तो फिर ट्रंप तो जाण तो पहला भी एक दिन पहला भी गोल्फ ही फिट भी है, हालांकि ओबीस है मोटापे च है, लेकिन जिहड़ा ये फैक्टर है ये एक मेजर फैक्टर हुंदा है जिहड़ा तुहाडी रिकवरी वल तोरदा है। और ईवन इस कोट किया जा रहा है कि ब्राज़ील
ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰੀਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਜ਼ ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਈ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਵਿਦ ਆਵਰ ਫਰੈਂਡਸ ਏ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਤਾਈਵਾਨ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਯੂ ਐਸ ਐਟ ਦਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਐਨੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰੀਅਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਈਵਨ UAE ਔਰ ਓਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਬੈਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਇਤਿਆਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ 36-01-37 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 5164060694 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ